नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए विपक्षी एकता बनाई जा रही है, जिसमें यूपी के दो दल रालोद और समाजवादी पार्टी भी शामिल है। हालांकि जयंत और अखिलेश यूपी विधानसभा चुनाव भी एक साथ मिलकर ही लड़े थे, जिसके बाद जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया। वहीं निकाय चुनाव के बाद सपा और रालोद गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह भी एक साथ हुआ करते थे? तो चलिए आपको बताते हैं वो कहानी जब मुलायम सिंह और अजीत सिंह में कुर्सी को लेकर लड़ाई हुई थी। बात 1989 की है। इस साल एक ऐसा उलटफेर हुआ जिससे यूपी समेत दिल्ली के राजनीति में भूचाल आ गया। दरअसल जनता की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार पश्चिमी यूपी के बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह थे। पार्टी की राय थी कि मुलायम सिंह को चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बनाया जाए। हालांकि चुनाव के बाद मुलायम ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया और आंतरिक उठापटक के एक बड़े दौर के बाद मुलायम गुप्त मतदान की व्यवस्था से यूपी के सीएम बन गए। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में अजीत सिंह खेमे के 11 विधायकों को तोड़कर मुलायम ने 5 अधिक सदस्यों के समर्थन के साथ बहुमत प्राप्त कर लिया। इसके बाद मुलायम सिंह ने 5 दिसंबर 1989 को पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ली। 57 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया। यूपी में मुलायम क्रांति रथ निकालकर गांव-गांव भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों के गुस्से को स्वर देते हुए राजनीतिक ताकत जुटा रहे थे। इसके चलते वर्ष 1991 में उन्होंने प्रदेश में जनता दल की सरकार बनने पर खुद को मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार मान लिया था। केंद्र से मधु दंडवते और चिमनई भाई पटेल को उन्हें समझाने के लिए भेजा गया। बात नहीं बनी तो दोपहर बाद मुफ्ती मोहम्मद शहीद भी आए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। विधायकों के मतदान से नेता के चयन का फैसला हुआ। चौधरी अजीत सिंह को भरोसा था कि उन्हें वीपी सिंह के जनमोर्चा घटक के विधायकों का समर्थन मिलेगा और वो नेता चुन लिए जाएंगे। पर मुलायम सिंह ने तगड़ा दाव खेलते हुए अजीत सिंह के खेमे के ही 11 विधायकों को ना सिर्फ तोड़ लिया, बल्कि जनमोर्चा के विधायकों का भी समर्थन हासिल कर लिया। निर्मल सिंह बताते हैं कि मतदान में 5 वोट से मुलायम ने बाजी मार ली और वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।